आखिर कैसे एक गिलास पानी ने 72 लोगों की जान बचा ली। दरअसल जब एक फ्लाइट युडाशनाई से मॉस्को जा रही थी, तभी 32,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक प्लेन की लाइट्स ऑफ हो गई। पूरा नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया, यहाँ तक कि ATC से कनेक्शन भी टूट गया। ऐसे में प्लेन को लैंड कराना इम्पॉसिबल था एक आम पायलट के लिए। लेकिन इस प्लेन को एंड्री भाई और येवगेनी भाई उड़ा रहे थे, जिन्होंने पैसेंजर से सिर्फ इतना कहा कि वो शांति से सीट पर बैठे रहे, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। और फिर इन्होंने एयर होस्टेस को एक ग्लास पानी लाने को कहा, पीने के लिए नहीं बल्कि पानी की सरफेस को देखकर प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर लाने के लिए। और इस तरह प्लेन तो नीचे आ गया, लेकिन प्लेन की रफ्तार लैंडिंग के लिए हद से भी ज्यादा तेज थी। तो उन्होंने एक बार फिर पैसेंजर से कहा कि आप लोगों को हम पर भरोसा है, हमें ऊपर वाले पर भरोसा है। और इतना कहकर उन्होंने एक पुराने खाली रनवे पर तेज रफ्तार में ही सक्सेसफुल क्रैश इमरजेंसी लैंडिंग कराकर सभी लोगों की जान बचा ली।